ये देखिए गरमा गरम खस्ता मूंग दाल के कचौरी, आप घर पे ही बना सकते हो, मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल मूंग दाल कचौरी की रेसिपी। इससे पहले भी होली स्पेशल कुछ रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा चैनल पे ऑलरेडी है, जैसे कि ठंडाई ठंडाई का मसाला और भी कुछ रेसिपीज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आज का वीडियो का एंड पे पिन कर दूंगी, आप जरूर चेक करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैं हाफ कप मूंग दाल ले रही हूँ और 3 से 4 बार अच्छा से वॉश करना है, तो मैं वॉश कर लेती हूँ। दाल मैंने वॉश कर लिया है। हाफ कप मूंग दाल का लिए 1 कप पानी डाल के भिगो के रखना है 2 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद हमें दाल छान लेना है और मिक्सी में दरदरा सा ग्राइंड करना है। हमें स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें ऐसा ही दाल ग्राइंड करना है, कोर्स रखना है। तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दाल मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इसी तरह दर दर सा रखना है हमें। मिक्सी ऑन ऑफ करके आप ग्राइंड करोगे ना तो ऐसा ही कोर्स ग्राइंड होगा, ये देखिए। अभी मैं कुछ ड्राई मसाला बना रही हूँ। इसके लिए 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, 2 टीस्पून आमचूर मैंगो पाउडर। सब अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। पैन मैंने प्रीहीट कर लिया है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। इधर मैंने 1-1 टीस्पून करके जीरा धनिया और सौंफ लिया है, क्यूमिन कोरिएंडर और फेनल सीड्स क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून हींग एसाफोरेटा। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, 10-15 सेकेंड्स फ्राई कर लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ग्रीन चिली, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक जिंजर, 1 ड्राई मसाला हमने बनाया ये भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून बेसन ग्राम फ्लावर। अभी हमें 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छा से बेसन मसाला का साथ भूनना है, जब तक बेसन का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए, अच्छा सा भुना हुआ खुशबू नहीं आ जाता है तब तक। बेसन अच्छा से भून लिया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बेसन का कच्चापन भी निकल गया है। अभी ये जो मूंग दाल हमने कोर्स ग्राइंड करके रखा था ये डाल देते हैं। साथ में मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करें, नमक कम ऐड करें क्योंकि हमें आटे में भी नमक डालना है। इन्हें इसके लिए 1/2 टीस्पून चीनी शुगर ऐड कर रही हूँ। अभी सब अच्छा से मिक्स करके हमें और 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है, ताकि दाल का जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। दाल बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छा से रोस्ट करना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखें, स्पैचुला का बैक साइड से ना इसी तरह स्मैश करते हैं। कचौरी का स्टफिंग रेडी हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, दाल भी बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अभी हम बाटी में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
अभी हमें आटा लगाना है, तो मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट, नमक मैदा का साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी और क्लैरिफाइड बटर। घी और मैदा बहुत ही अच्छा से हमें पहले मिक्स करना है। मैदा घूमने के लिए आप घी यूज करें, घी से कचौड़ी खस्ता बनता है। ये देखिए, इसी तरह रैप करके हमें अच्छा से मिक्स करना है। अभी बाइंड हो रहा है क्या हमें देखना है, इसी तरह बाइंड होना चाहिए। पानी ऐड करने से पहले आप जरूर चेक करें बाइंड हो रहा है क्या नहीं। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। 1 कप पानी मैंने यहाँ पर लिया है। सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं ना वैसा। 1 कप पानी हमें नहीं चाहिए। ये और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। हमने 1 कप पानी लिया था, अभी 1 टेबलस्पून जैसा पानी एक्स्ट्रा रहेगा है। 1 कप पानी हमें नहीं लगा है आटा गूंदने में। अभी 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 20 मिनट बाद हमें एक बार फिर से नीट करना है आटा, मसल मसल के 2 मिनट नीट करना है। ऐसे मसल मसल के चिकना करना है। अभी मैं नींबू का साइज का 1-1 पल्प कटिंग कर लेती हूँ। इसी तरह बना लेती हूँ मैं। अभी हल्का हाथ से हमें थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, इसी तरह प्रेस करके। आप बिना बेले भी बना सकते हो, बेल भी सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। कचौड़ी बेलने के लिए मैं तेल, घी, मैदा कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। पूरी जैसा बेलना है हमें। अभी हमें स्टफिंग भरना है, सेंटर में स्टफिंग भरना है। 2 टीस्पून मैंने लिया है स्टफिंग, और इसे सील करना है इसी तरह। ऐसा दबा दबा के सील करें, और ये जो एक्स्ट्रा डो है ना, इसे हम निकाल देंगे। फिर से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है, और हल्का हाथ से बेलना है। अभी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि हमने स्टफिंग भर दिया है। बिना बेले भी इसी तरह आप प्रेस कर सकते हो। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा रखना है, मैं ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा किनारा जो है ना, एजेस इधर थोड़ा प्रेस कर दीजिए। इसी तरह 1-1 कचौड़ी हमें बेलना है, और एक टॉवल से ढक के रखना है ताकि ड्राई ना हो जाए। इसी तरह बाकी कचौड़ी भी मैं स्टफिंग भर लेती हूँ इसी तरह बेल कर। एकदम हल्का हाथ से ही बेलना है, ज्यादा प्रेशर ना डाले। थोड़ा सा बेल के फिर हम प्रेस कर देते हैं। इसी तरह प्रेस करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने तेल गरम कर लिया है। 1-1 करके कचौड़ी रखना है अभी तेल में। एक बैच में 3 कचौड़ी में फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखे। अभी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अपने आप फ्लोटिंग होगा। देखिए कैसा ऊपर आ रहा है। अभी हमें धीरे से दूसरा साइड टर्न करना है इसी तरह। एक बैच फ्राई होने में 8 से 10 मिनट आराम से लग जाता है, लेकिन फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। देखिए कैसे फूल रहे हैं।
इसी तरह हमें उलट पलट के फ्राई करना है जब तक नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। एक बैच फ्राई हो गया है, इसे हम निकल लेते हैं पेपर टार्ड में। हमने एक बैच फ्राई किया है तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, गैस एकदम ऑफ कर देना है, थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए फिर हम सेकेंड बैच फ्राई करेंगे। ये हो गया एक बैच। 2 कप मैदा और जितना क्वांटिटी का इंग्रेडिएंट्स हमने स्टफिंग के लिए लिया था उनमें से मैं 10 पीसेस कचौड़ी बनाया है। हमने जो स्टफिंग भर के एक्स्ट्रा डो निकाला ना, उसमें से और भी एक्स्ट्रा कचौड़ी बन गया है। आप इसी तरह इस होली में मूंग दाल के कचौड़ी बनाएं और एंजॉय करें। कचौड़ी मैंने सर्व किया है इमली का चटनी यानी कि टमरिंड चटनी का साथ। इमली का चटनी का रेसिपी मेरा चैनल पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो का एंड पे दे दूंगी, आप जरूर चेक करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कमेंट कर थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।